नमस्कार ओम शांति, आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। इंदौर में मीडिया, समाज और मूल्यबोध विषय पर ऑनलाइन मीडिया वेबिनार, ज्ञान शिखर एवं मीडिया प्रभाग का आयोजन। मीडिया कर्मियों से श्रेष्ठ समाज की स्थापना का आह्वान। ब्रह्मा कुमारीज के संगारेड्डी सेवा केंद्र को तेलंगाना स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 का मिला सम्मान। तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नवाजा। ओडिशा के संबलपुर से स्पार्क विंग की ऑनलाइन संगोष्ठी, आओ बने सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न विषय पर बुद्धिजीवियों ने की चर्चा। और आखिर में मेडिकल प्रभाग और रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा सशक्तिकरण के लिए कॉल ऑफ टाइम विषय पर ऑनलाइन टॉक। हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रतिदिन मेडिटेशन करने का दिया सुझाव। बुलेटिन की पहली खबर इंदौर से है, जहां ज्ञान शिखर एवं संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा मीडिया, समाज और मूल्यबोध विषय पर ऑनलाइन मीडिया वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति डॉ. रजनीश शुक्ल, भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जो सबको न्याय मिल सके इस प्रकार के पथ पर, इस प्रकार के धर्म के पथ पर, इस प्रकार के मूल्यबोध के पथ पर चलता है, वही ब्रह्मावलोक धिषण मनुष्य। परिवार में संस्कार की जड़ें देनी पड़ेंगी, शिक्षण संगठनों में हमें बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा और एक सुंदर समाज बनाना पड़ेगा। जब एक सुंदर समाज बनेगा तो हर क्षेत्र में अच्छे लोग जाएंगे, या एक साधारण सी बात है जो हम समझ सकते हैं। इसलिए व्यक्ति निर्माण का जो काम है वो तमाम संगठनों ने अपने हाथ में लिया है, हम सबको भी उस काम में आगे बढ़कर योगदान करना पड़ेगा। इंदौर के तमाम मीडिया के साथियों से जुड़ी उनकी अनेक यादें हमारे मानस पटल पर हैं, किस तरह से उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान मीडिया को जोड़ा, और इस मतलब मीडिया से जोड़ना तो एक बहुत छोटा काम था, लेकिन इस शहर को जोड़ा और इस शहर के लोगों में गर्व का भाव खड़ा किया, तो बहुत मतलब वो ऐसा काम है जिसके बारे में मतलब हम जैसे व्यक्ति तो बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसका नतीजा शहर में देखने को मिल रहा है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान को इस शहर के लोग अपना संस्थान मानते हैं, उसकी गतिविधियों में भागीदार पसंद करते हैं। इसी क्रम में संस्था के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक एवं मीडिया प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके आत्मप्रकाश, इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के समन्वयक प्रोफेसर कमल दीक्षित, जन संचार उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के फैकल्टी डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने भी आयोजित विषय पर प्रकाश डाला और मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता पर जोर दिया। ये सृष्टि ईश्वर का है, हम सबके पिता है, ये सारे मानव जो है ये एक परिवार है। ये संदेश को इस समय पर सारे विश्व को देने का कार्य केवल मीडिया ही कर सकते हैं, और वो बहुत ही आवश्यक इस समय पर है। हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तेलंगाना स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। डॉक्टर MCR HRD इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना के अक्षरा हॉल में आयोजित इस समारोह में TSGENCO के CMD डी प्रभाकर राव, ऊर्जा विभाग तेलंगाना सरकार के सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के संगारेड्डी सेवा केंद्र को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया, जिसे संगारेड्डी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुमंगला एवं एनर्जी ऑडिटर बीके केदार ने प्राप्त किया। ओडिशा के संबलपुर द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्पार्क विंग की ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया गया। यह एक दिवसीय वर्कशॉप थी, जिसमें प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका, राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, संस्थान में जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश, लंदन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी, कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश, मुंबई के गाम देवी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीहा, ओडिशा लोकायुक्त के सदस्य देवव्रता स्वैन, संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके पार्वती समेत कई आध्यात्मिक पथ के राही जुड़े। इस पूरी कार्यशाला में कई बिंदुओं पर गहराई से मंथन हुआ,
जैसे सर्व शक्तियों और सर्व गुणों से संपूर्ण कैसे बने, महसूसता की शक्ति द्वारा परिवर्तन, योग को शक्तिशाली कैसे बनाए और लवलीन स्थिति का अनुभव कैसे करें। चलिए सुनते हैं राजयोग के अभ्यास को श्रेष्ठ बनाने के अनमोल सुझाव। जो सूक्ष्म कारण है ये है, हम सोचते हैं ना, सारा पेपर आ गया, व्यर्थ संकल्प आ गया, मूड ऑफ हो गए, कोई तो रोते भी है, अपसेट भी होते हैं, तब होने के बाद कुछ समय के बाद हम सोचते हैं ठीक है ना, ड्रामा है ना, क्या करे, हो गया। लेकिन जब शक्तियां मेरा अधिकार में है तो इमीडिएट फुल स्टॉप क्यों नहीं हुआ? अहम और वहम ने मुझे नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन तो नहीं बना दिया। अहम मेरे में है, वहम मेरे में है, तो मैं दूसरी आत्माओं के को गुणों का दान नहीं दे सकती, रहम नहीं कर सकती। एम जो होता है बाप समान बनने का, वही हमको बाहर निकलता है, वही ड्रामा को जैसे एक फ्रेंड बना करके हमारे सामने एक रास्ता खुलता है। जब भी हम एम को छोड़ते हैं ना, माना हिम्मत हारते हैं, और जब हम हिम्मत हारते हैं तो उमंग उत्साह कम होती है और रियलाइजेशन की शक्ति खत्म हो जाती है। तो उस समय एम नहीं छोड़ना है, और आप देखेंगे ड्रामा कई ना कई रास्ता खोलेंगे आपके लिए। आपने अपना स्टडी नहीं छोड़ा, योग नहीं छोड़ा, तो कुछ ना कुछ प्रेरणा कहां से एक रास्ता निकलेगा। हर स्थान पर ये राजयोग में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये राजयोग को प्रयोग कर रहा हूँ, और उसमें सफलता मेरे को 100% ही मिला है। ऐसे कोई नहीं है कि 100% से नीचे मिला हो करके। इस कार्यशाला का समापन बीके पार्वती की शुभकामनाओं और राजयोग शिक्षक बीके रूपेश द्वारा कॉमेंट्री पर योग कराने से हुई। महारथी भाई बहनों ने जो धारणा युक्त अनुभव युक्त क्लासेस कराया, ऐसा लग रहा था कि हम सभी को बहुत ही और पुरुषार्थ करके संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। संस्थान के मेडिकल प्रभाग और मुख्यालय से संचालित रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा लोगों के मानसिक सशक्तिकरण के लिए कॉल ऑफ टाइम विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन हुआ, जिसमें मेडिकल प्रभाग के सह सचिव डॉक्टर सचिन परब, प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके अविनाश, यूपी के समाज सेवी अरविंद सांगल, मुख्यालय से डॉक्टर बीके मेघना मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। इस पूरी बातचीत का संचालन रेडियो मधुबन के आरजे बीके रमेश ने किया। इस चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर सचिन परब ने सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रतिदिन स्वयं का ध्यान रखने के लिए कुछ वक्त निकालने की सलाह दी। हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है और उसके लिए थोड़ा मी टाइम, माना खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी है। अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करने की जो टेक्निक है उसको हम सोल कॉन्शियस कहते हैं, जो हमें परमात्मा ने सिखाई कि हमें अपने अंदर की शक्तियों को कैसे जागृत करना है। लोग आपको कहेंगे क्या काम कर रहा है, ये भी कोई बात है कि दूसरों को सुधारने की जगह खुद को सुधार रहा है। एक सुधरेगा युग सुधरेगा, एक बदलेगा युग बदलेगा। मैं तो ये कहता हूँ सामाजिक सशक्तिकरण के लिए हमें सबको अपने आप को बदलना है, दूसरों को नहीं। अपने गम को गीत बना कर गा लेना, राग पुराना तेरा भी है मेरा भी। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आभार ही सर्वोत्तम व्यवहार विषय पर ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने शिकायत की बजाय शुक्रिया करने का मंत्र देते हुए विषय पर प्रकाश डाला। वही कार्यक्रम के अन्य वक्ताओं में नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र के मुख्य अधीक्षक सुधीर शेलके, संस्था के स्पार्क प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके सरोज एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपने विचार साझा किए। भगवान का शुक्राना करना माने भगवान के साथ मेडिटेशन करना। कई मुझसे पूछते हैं हम कैसे भगवान को याद करें, हम कैसे भगवान के साथ योग लगाएं। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, केवल दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करिए। कि जो दिल से थैंक्स को अप्रिशिएट करते हैं वो खुश रहते हैं, और दिल से कोई थैंक्स करते भी हैं वो भी खुश रहते हैं। तो अगर हम बिल्कुल एक ही शब्द है थैंक्स,
इतना ही कह दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने ये देखा है कि अगर आपका किसी से रिलेशन ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आपने किसी को थैंक्स किया तो हो सकता है आपका रिलेशन ठीक हो जाए। तो जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर में एक सकारात्मक सोच शुरू होती है और आपके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आती है, आपका तन और मन पुलकित हो जाता है, अपने आप में बहुत अच्छा लगने लगता है। पुणे की पिसौली स्थित ब्रह्मा कुमारीज की जगदम्बा भवन द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन वेबिनार एम्पलीफाइंग योर इनर पावर्स के तहत पावर ऑफ गुड विशेष विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे मुख्य वक्ता के तौर पर यूएसए संस्था के युवा प्रभाग के अंतर्राष्ट्रीय युवा संयोजक बीके डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने संबोधित किया। अपने जीवन की जो भी पूरी कहानी है हम देखें कि वो छोटे हो रहे हैं, पूरी कहानी को एक डब्बे में बंद कर दें, उस कहानी में सब कुछ है, हमारी सारी यात्रा सारी मेमोरी सब कुछ उस डब्बे में बंद है और हम उस डब्बे को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं। 7 जून से शुरू हुए एम्पलीफाइंग योर इनर पावर्स ऑनलाइन वेबिनार का यह ग्रैंड फिनाले सेशन था, जिसके कई प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों को भी इस दौरान साझा किया। वही जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा ने भी अपनी शुभाशाओं से सभी को लाभान्वित किया। रियल में परमात्मा हमारा माता पिता, तो अभी आप संपर्क में आए हैं, परमात्मा के संबंध में आ जाइए तो क्या होगा, जैसे आपके माता पिता आपका ख्याल रखते हैं, आपके माता पिता से आपको प्रॉपर्टी मिलती है, प्यार मिलता है, उससे कई गुना बढ़कर के परमात्मा से भी हमें प्यार मिलता है। I attended sessions on power to apply food stock and power to face challenges in life. I applied practically in my life and now I feel very relaxed and happy. यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी में विजय दिवस के उपलक्ष में पूर्व सैनिक एवं स्थानीय सेवा केंद्र के ट्रस्टी बीके कैप्टन एहसान सिंह का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मौजूद विंग कमांडर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी प्रमोद कुमार, कैप्टन राजेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर रामवीर सिंह, रणवीर सिंह यादव सहित कई पूर्व सैनिक अधिकारियों द्वारा कैप्टन एहसान सिंह को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय देते हुए सभी को सेवाओं की जानकारी दी। वहीं मौजूद सेना अधिकारियों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की। आपको बता दें बीके कैप्टन एहसान सिंह 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में शामिल थे। राजस्थान में भीलवाड़ा के विजय सिंह पथिक नगर स्थित ओम शांति सभागार में लॉयंस क्लब रूबी की महिला सदस्यों के लिए जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर आर एस श्रोतीय ने अष्टांग योग पर प्रकाश डालते हुए मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन करने की सलाह दी। अंत में बीके इंद्रा ने राजयोग का अभ्यास भी कराया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।